नेपाल में देखिए कितना विरोध हो गया, जिसके बाद डायलॉग में शायद बदलाव भी किया गया है। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया, मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का एतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर उनको कोई एतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं, तो अगर उनको किसी तरह का एतराज है तो मैं समझता हूं कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की ही बेटी हुआ करती थी, और राष्ट्र के तौर पर भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पर अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई पड़ती है। मनोज, जिस तरह की आलोचना हो रही है उसमें आपने हिंदू सेना वाली बात पे हालांकि अपना अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है इस पर कि अगर हिंदू संगठन भी आप लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं उनके आराध्य को। जी मुझे मुझे पता नहीं, मैं अगर जानता तो इस बारे में आपको जरूर बताता, लेकिन ना मेरी टीम से और ना कहीं से मुझे इस बारे में कोई सूचना है। मैं जब पढ़ लूंगा और जान जाऊंगा कि हाँ क्या उनके पॉइंट्स हैं। एक तो जिसके भी जो पॉइंट्स हैं, पहली बात तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हर किसी की बात सुननी चाहिए।